भारत के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने मौजूदा मौसम को देखते हुए देश के अलग अलग जिलों के लिए ताजा अपडेट भी दे दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी गुरुवार को गुजरात के 4 जिलों में भीषण बारिश हो सकती है। इन 4 जिलों में आनंद, भरूच, भावनगर और अमरेली शामिल हैं। IMD ने गुजरात के इन 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। इनके अलावा गुजरात के अहमदाबाद, बोटाद, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, सूरत, तापी, वलसाड, नवसारी और डांग में भी गुरुवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात के अलावा आज झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दुमका, बांकुरा, झारग्राम, सरायरला, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामतारा, देवगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनके अलावा आज किसी भी जिले में बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार 1 अक्टूबर के लिए भी कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 1 अक्टूबर को जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है उनमें गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, तापी, डांग और नवसारी जिले शामिल हैं। इसके अलावा शुक्रवार को पश्चिम बंगाल का झारग्राम जिला भी शामिल है। इसके बाद शनिवार 2 अक्टूबर को तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। IMD ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम, तिरुवरूर, डिंडीगुल, कन्याकुमारी, तूतीकोरिन, मदुरै, तंजावुर, शिवागंगा, पुदुकोट्टई समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए किसानों को अलर्ट हो जाना चाहिए। जिन जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है उन जिलों के लिए किसानों को अपने खेतों से पानी की निकासी का पूरा प्रबंध कर लेना चाहिए। इसके साथ ही किसानों को इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि भारी बारिश को देखते हुए फिलहाल खेतों में खाद और कीटनाशक डालने की योजना को भी रोक देना चाहिए। दरअसल जिस तरह की बारिश की चेतावनी दी गई है उस बारिश में खाद और कीटनाशक सब बह जाएंगे और आपके समय के साथ साथ पैसों की भी बर्बादी हो जाएगी। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।